दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उदंडता, उग्रता और आक्रामकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका शिकार आए दिन हमारे शिक्षक साथी लगातार हो रहे। हर एक दिन हर एक स्कूल से एक नया केस सामने होता है जो कि बहुत ही डरावना होता है। बीते दिन पीटी टीचर्स पर जो हमला हुआ, उसके बाद टीचर्स में डर भी है, आक्रोश भी है और अपनी सुरक्षा, टीचर्स की सुरक्षा को लेकर के चिंता भी है। इसी बात को लेकर के सभी टीचर्स ने एकजुटता दिखाई और अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के जरिए रखा, साथ में अधिकारियों से मंत्रियों से मिलने की कोशिश की। इस बात की खबर हमारे शिक्षा मंत्री जी को अच्छे से है, वो जानते हैं कि किस तरह से घटनाएं हो रही है, लेकिन सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जल्दी ही जो शिक्षा टीचर्स की जिम्मेदारी सुरक्षा की वो सरकार की है और सरकार जल्दी कुछ ऐसी नीति, ऐसे नियम बनाएगी स्कूलों के लिए। इसके लिए उन्होंने टीचर्स से और प्रिंसिपल से सुझाव मांगे कि किस तरह से नीति होनी चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसका शिक्षा पर असर पड़ता है, बच्चों पर असर पड़ता है, उनकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, एज ए पेरेंट्स, एज ए स्टूडेंट आप जरूर अपने ओपिनियन रखें। एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर्स तो आपको रखना ही रखना है, साथ में स्टूडेंट होने के नाते और पेरेंट्स होने के नाते भी आप जरूर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बच्चों की पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई का नुकसान इससे होता है और धीरे धीरे इस तरह शिक्षा का स्तर जो गिरता जाएगा और ख़राब होता जाएगा। तो मामला बड़ा गंभीर है, इस पर सबको सोचने, विचारने और चिंता करने की ज़रूरत है। हमारे शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन इस तरह के आश्वासन न जाने पहले भी कई बार दिए जा चुके हैं। ट्विटर का प्रयोग तो आजकल ऐसे जैसे लगता है मजाक सा हो गया। तो अब तब तक जंग जारी रहेगी जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाएंगे, दिशा निर्देश नहीं बनाए जाएंगे और इस तरह से टीचर्स की एकता को बनाए रखिए, शांतिप्रिय ढंग से अपनी सुरक्षा को लेकर के जब तक कोई ठोस इंतजाम ना हो तब तक इस जंग को जारी रखना है। और सभी साथियों तक इस अपडेट को, वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी लोग अपडेट रहें और ज़रूरत पड़ने पर अपनी मांग को रखने के लिए जिस अधिकारी के साथ, जिस मंत्री से मिलने जाना पड़े तो सभी को एकजुट होकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई एक की नहीं है, किसी एसोसिएशन की नहीं है, किसी लीडर की नहीं है, बल्कि हर एक टीचर की लड़ाई है। और आत्मसम्मान और आहत अगर हो जहाँ पर, उसके लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है सुरक्षा, और अगर सुरक्षा ही डगमगाने लगे तो फिर कहाँ एजुकेशन, कहाँ शिक्षा और कहाँ पढ़ाई हो पाएगी। तो बस आप अपने ओपिनियन ज़रूर रखें, वीडियो को शेयरिंग करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको एजुकेशनल सारे अपडेट लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।